देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आज की मीटिंग जो एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग है और जो सिर्फ एसडीएन एवं के लिए बुलाई गई, तो यहाँ पर भी 1000 पैक्स है। मैं चाहूंगा आप लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि आज इस वर्किंग डे में भी 1000 लोग इस एसडीएन एवं मीटिंग में हमारे बीच में है और सभी लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मोदी केयर दिन दुनी रात चौनी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर बीतते दिन के साथ मोदी केयर में कुछ अनोखा हो रहा है, कुछ बहुत ऐसी चीजें हो रही है जो कंपटीशन की कंपनी झील जा रही है। और ऐसा ही एक चीज हम लोगों ने इस महीने के 10 तारीख को एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। बट इस प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। दोस्तों, आज हम 2021 में हैं और आज से अगर ज्यादा नहीं 25 साल पीछे जाए और 25 साल 30 साल पहले की बात की जाए तो जो पानी होता था, वाटर होता था, 25-30 साल पहले लोग नदियों का, तालाबों का पानी भी पीते थे क्योंकि इतना कंटामिनेशन नहीं होता था, पोटेबल वाटर। बट समय बदला, चीजें बदली और पिछले 25 साल में को अगर आज आप 2021 देखते तो पानी का बाजार, पानी का व्यापार एक बहुत बड़ा व्यापार में तब्दील हो गया। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार आज एक बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है और उस कवायद में है, वो है आपका एयर मार्केट। और एयर मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है क्योंकि आज चारों तरफ प्रदूषण है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि जिस तेजी से पूरी दुनिया इस प्रदूषण से जूझ रही है, और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि आज पूरी विश्व की जो पॉपुलेशन है, विश्व की जो आबादी है, उसमें 92% पॉपुलेशन प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। और पिछले 6 महीने की बात की जाए तो कोविड का संकट हम लोगों ने देखा, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। और जी हाँ दोस्तों, बट मोदी केयर बिलीव करता है कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में जो आपको दे और समय के साथ वो प्रोडक्ट आपके लिए मिरेकुलस प्रोडक्ट। और एक ऐसा ही प्रोडक्ट मोदी केयर ने 10 अक्टूबर को लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट है मोदी केयर कुक्कू एयर प्यूरिफायर। मैं चाहूंगा इस प्रोडक्ट के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। ये प्रोडक्ट हम सबके बीच में मौजूद है। पिछले 8 से 9 दिनों में हमने अपने अपने तरीके से वो हर कुछ करने का कोशिश किया और इस प्रोडक्ट को अपने नेटवर्क में प्रमोट कर रहे। बट दोस्तों, इसको नेटवर्क में कैसे प्रमोट किया जाए? जैसे चुनाव जीतने के लिए रणनीति की जरूरत होती है, क्रिकेट को जीतने के लिए रणनीति की जरूरत होती है, हर जगह पे एक स्ट्रेटेजी वर्क करता है। ऐसे हमारे नेटवर्क में जो आज का टॉपिक है, लो बीवी, एवरेज बीवी और हाई बीवी, कि हम हाई बीवी के साथ काम कैसे करें। मोदी केयर में अभी तक हम लोगों ने लो बीवी, एवरेज बीवी के साथ काम करना तो सीख लिया, बट हाई बीवी में काम करना एक कला है, एक आर्ट है और एक स्ट्रेटेजी है। और इसी रणनीति को कैसे हम आगे लेकर जाएंगे, आने वाले दिनों में कैसे इसको आगे ले जाएंगे, अक्टूबर के महीने को कैसे क्लोज करेंगे, हमारा रिपर्चेज 23 तारीख को है, 25 तारीख हमारी लॉयल्टी है और ये पूरा महीना कैसे क्लोज हो सकता है, इसी को बताने के लिए आज का यह मीटिंग आपके लिए प्लान किया गया। और जहां पे हमारे बीच में 1000 लोग हैं, तो मुझे ये बताते हैं खुशी हो रही कि आज जिस शख्स को मैं आपके बीच में इन्वाइट कर रहा हूँ, उस शख्स को आप सब जानते हैं। और अगर रणनीति की बात मैं करूं तो इनसे बढ़िया रणनीति आपको कोई नहीं बता सकता। मैं इनको हमेशा प्यार से एक उपनाम दिया है, कैप्टन कूल कहता हूं। जो महेंद्र सिंह धोनी का उपाधि भारतीय क्रिकेट टीम में, आज भी 2020 वर्ल्ड कप में उनको मेंटर की जिम्मेदारी दी गई क्योंकि उनके रणनीति से हम सब वाकिफ है। तो आज हमारे बीच में ये शख्स अभी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि स्ट्रेटेजिक में एक्सपर्ट है, तो इज नन अदर दैन आवर बिलवेड रीजनल हेड, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ, ये तीनों रीजन को लीड करते और आज का मीटिंग उनके दिशा निर्देश पे है। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ लेट अस वेलकम आवर बिलवेड वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मिस्टर सुब्रतो सर ऑन द स्टेज। तो सुब्रतो सर, ये मंच पूरे तरह से आपको समर्पित है और हम चाहेंगे सर, 1000 लोग यहाँ पर है, सर आप हमारे बीच में ऑन स्क्रीन आए। संजय सर, मुझे ऑफ स्क्रीन कर दीजिए, सुब्रतो सर को ऑन स्क्रीन लाइए, जोरदार ताली सुब्रतो सर। थैंक यू सो मच पंकज। एज यूजुअल हम तो आजकल कोई भी प्रोग्राम को शुरू करना है, खत्म करना है और बीच में आगे बढ़ाना है तो पंकज जी का नाम छोड़ के हम सोच ही नहीं सकता है। इतना बढ़िया स्पीकर, इतना बढ़िया एंकर, इतना बढ़िया एमसी, तो थैंक यू सो मच इतने सारे वर्ड्स हमारे बारे में बोलने के लिए। बट रियल हीरोज तो आप लोग हो और ये जो 1000 लोग यहाँ पे बैठे हुए है, फील्ड का रियल हीरोज तो सब यहीं पे है। हाँ, आज हाफ एन आवर 40 मिनट्स बात करेंगे बिकॉज टॉपिक जो है लो बीवी, एवरेज बीवी और हाई बीवी। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली मैं 2-4 इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री किस हिसाब से काम कर रहा है। तो जैसे आप समझोगे कि इंडस्ट्री किस हिसाब से काम कर रहा है, अब डेफिनेटली आपको भी पता चलेगा कि हमको और आपको इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ का फायदा
कैसे लेना है। तो कुछ लोगों ने जैसे ही एयर प्यूरिफायर लॉन्च हो गया, कुछ लोगों ने परचेज कर लिया और अभी तक बहुत सारे लोगों ने परचेज नहीं किया। कुछ लोगों ने परचेज कर लिया, जब मैंने एक दो लीडर से पूछ रहे थे कि सर आपने आया और इतना जल्दी परचेज कैसे क्यों कर लिया, तो मुझे बता रहा था कि सर मुझे कुछ चीज दिख रहा है। आई सेड क्या दिख रहा है बताइए। तो किसी एक लीडर का है, हमारा रीजन का ही एक लीडर का है, तो बोल रहा हमें ये दिख रहा है कि हम खरीद रहे हैं तो मेरा टीम में भी 20 लोग खरीद रहा है। मैं बोला खरीद तो नहीं रहा है, बोला लेकिन सर मुझे दिख रहा है वो खरीद रहा है। अच्छा, मैं सोचा कि चलो ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा है, मोटिवेशनल बोल रहा है। तो उसके बाद मैंने दो चार लीडर्स और कुछ लोगों से पूछा, उनका जवाब भी मोर और लेस सेम था। तो मैंने सोचा कि ये दिख रहा है का मतलब क्या होता है, और मुझे एक थोड़ा सा स्टडी किया, पहले कोई मीटिंग में मैं बोल रहा था, एक ही मीटिंग में बोला, मैं वो पीपीटी आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। मैं पीपीटी यहाँ पे लगा सकता हूँ, हाँ लग गया पीपीटी। कैन यू ऑल सी माई पीपीटी? कोई वहां पे बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? आर ए क्या लिखा हुआ है बताइए, कोई एक किसी अनम्यूट करके। आर ए एस। तो जब वो लीडर बोल रहा था कि सर मुझे दिख रहा है मेरा डाउनलाइंस और मेरा टीम में लोग परचेज कर रहा है, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, ये मैंने अपना दोस्त से सीखा था, इसका नाम है RAS, इसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ आप ही एक्टिवेट कर सकते हो। किस हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हो वो हम बाद में आएंगे, लेकिन जिस हिसाब से आप चाहो उसी हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हो, ये आपका हाथ में है। हमने कोविड से पहले गोवा गया, मैं दो चार दोस्त लेके हम लोग दो तीन दिन के लिए गोवा गए थे। होटल में घुसा तो हमारा एक दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त था, उनको शाम को थोड़ा पानी वानी चाहिए था, मतलब पानी मतलब थोड़ा कलरफुल पानी, मतलब ऐसे पानी नहीं, थोड़ा वो कलरफुल पानी चाहिए था उसको शाम को। होटल में घुसा, मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, होटल में घुसा तो शाम होने लगा था, 4:30 बज रहा था, तो उसको लगा कि ये पानी कहाँ मिलेगा, कलरफुल पानी कहाँ मिलेगा, क्योंकि शाम होने वाला है ना। तो शाम होते ही गोवा में समझ ही रहे हो कि माहौल थोड़ा बदल जाता है। तो जैसे हमने घुसा तो मुझे बोल रहे कि यार एक काम करते हैं यार, चलो उसको उस सामान का पहले वो जुगाड़ कर लेते हैं। मैं बोला मुझे तो अभी पूछना पड़ेगा दुकान कहाँ है। बोलते नहीं नहीं मुझे पता है, वो आगे वाला जो गली है ना, जहां से वो गली में एक दुकान है। मैं बोला तुम तो आधा घंटा हुआ सिर्फ आया होटल में, तुमको गोवा तुम पहली बार आए, तुमको कौन सा गली में क्या है, तुमको ये कैसे पता चला? बोला नहीं पता वता कुछ नहीं चला है, जब मैं आ रहा था ना मैं यही ढूंढ रहा था कि दुकान कहाँ है, जब मैं आ रहा था होटल में मैं यही ढूंढ रहा था कि दुकान कहाँ है। तो मैंने बोला अच्छा। उसके बाद मैंने सोचा और समझा कि जो चीज जिसको चाहिए ना उसका दिमाग में वो दिख रहा है, उसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। उसका दिमाग में एक्टिवेट हो गया था कि ये वाला दुकान कहाँ है, एक्टिवेट हो गया सिस्टम, और जैसे एक्टिवेट कर दिया ना उसको सिर्फ वही दिख रहा है, वो वही ढूंढ रहा है जो उसको चाहिए। अब जिसको जिसको हेल्थ में, जिसको अपना बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, वो रास्ते पे जाते जाते क्या ढूंढेगा, जिम कहाँ है यार, यहां पे जिम कहाँ है। जिसको ब्यूटी में जिसका ज्यादा वो नैक है, जो ब्यूटी में ऊपर ज्यादा स्टडी करते हैं, उसको ब्यूटी पार्लर नजर आता है। तो आप जो अपना सिस्टम में जो एक्टिवेट कर देते हो वही एक्टिवेट होता है। किसी ने सिस्टम में एक्टिवेट कर दिया यार 18,000 का एयर प्यूरिफायर बहुत ज्यादा दाम है, उसका एक्टिवेटिंग सिस्टम उसको बोलने जा रहा है यस ज्यादा दाम है, ये ज्यादा दाम है, करेक्ट ज्यादा दाम है, क्योंकि एक्टिवेट आपने क्या किया दिमाग में। आप किसी ने बोला कि एक्टिवेट ही अगर दिमाग में करना है तो नेगेटिव चीज एक्टिवेट क्यों करना है, सवाल तो ये है। क्योंकि आप प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, आप कुछ भी हो जाओ, डिपेंड करता है आप अपना रेटिकुलर सिस्टम में एक्टिवेट कौन सा चीज करते हो। क्योंकि जो भी चीज आप एक्टिवेट करोगे
अब वही एक्टिवेट हो जाएगा। आपको किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेशन सिस्टम क्या बोलते हैं, जैसे फ्लाइट में, जैसे किसी ने जब जो लोग इनमें फ्लाइट में बैठा है, फ्लाइट में जब टर्बुलेंस होता है, बहुत सारा फ्लाइट हिलता है, एयर होस्टेस क्या बताता है, एयर होस्टेस सिंपली ये बताता है सीट को सीधा कीजिए, बेल्ट लगाइए, सिट बैक एंड रिलैक्स। उन्होंने आपका दिमाग में क्या एक्टिवेट किया, रिलैक्स। अच्छा सोचो उल्टा बोल रहा है वो एयर होस्टेस, फ्लाइट बहुत तेजी से टर्बुलेंस में आ गया, हम लोग बादल के अंदर आ गया, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस हो सकता है, सीट को पकड़ के बैठिए, टेंशन मत लीजिए। अब जैसे ही वो बोलेगा टेंशन मत लीजिए, अपने रेटिकुलर सिस्टम में उन्होंने एक्टिवेट कर दिया कि टेंशन लेना चाहिए, फ्लाइट कभी भी क्रैश हो सकता है। आप अपने सिस्टम में क्या एक्टिवेट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से चीज को आगे बढ़ा रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। कुछ लोगों ने एक्टिवेट कर दिया है 18,000 का है भाई साहब, बहुत दाम है। एक तो आदमी ने मुझे पूछा, एक नहीं दो चार लोगों ने मुझे पूछा कि सर इसका सर्विस सेंटर कहां है, सर पहले ये बताइए। मैंने बोला सर आपने खुद खरीदा, बोलते ना मैंने अभी तक नहीं खरीदा, हम पहले देखेंगे सर्विस सेंटर कहां है, फिर देखेंगे उसका फिल्टर का दाम कितना है। सब कुछ अगर मेरे हिसाब से रहा तो मैं खरीद भी सकता हूं। उसके एक्टिवेटिंग सिस्टम में उन्होंने नेगेटिव कर दिया कि 18,000 बहुत ज्यादा दाम है, पहले हमें यह सब चीज देखना चाहिए। उन्होंने जैसे एक्टिवेट कर दिया, उनका जो 100 डाउनलाइन थे वो डाउनलाइन का सिस्टम में भी वही एक्टिवेट, वो सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। बहुत डेंजरस चीज है, बहुत अच्छी चीज है। जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदा है, थैंक यू सो मच। आपका घर में जितना पॉल्यूशन है, दूसरे के घर में भी उतना भी पॉल्यूशन है, लेकिन आपने अपने सिस्टम में एक्टिवेट कर दिया कि मुझे ये एक प्रोडक्ट लेना है और मुझे दुनिया को भी दिखाना है कि जब ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है हर एक घर में होना चाहिए। इसको बोलता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। मैं सबको हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूं, कुछ भी सोचना है सोचो, लेकिन रेटिकुलर सिस्टम में कोई नेगेटिव चीज सोचना मत, वो हर एक नेगेटिव चीज आपको दिखाएगा। क्यों नहीं खरीदना चाहिए, प्यूरिफायर से होता क्या है। आपके पैंडेमिक से पहले किसी को अगर हम बोलते कि आपका ना शरीर में प्रोटीन चाहिए, 90% लोग हमें क्या बोलते थे, नहीं सर हम तो फिट है। ये तो पैंडेमिक ने आके हमें बचा लिया कि लोगों को, हमने जब बोला तब उनको 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 वो समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोटीन पाउडर क्यों चाहिए। पैंडेमिक ने आके उनको बताया कि इम्यून सिस्टम क्या होना चाहिए। पैंडेमिक से पहले एक्टिवेटिंग सिस्टम नेगेटिव था, पैंडेमिक ने हमारा एक्टिवेटिंग सिस्टम को पॉजिटिव कर दिया। लेकिन हर बार तो पैंडेमिक आएंगे नहीं, आपको पॉजिटिव सिस्टम, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पॉजिटिव रखना है। जो आप देखना चाहते हो वही आपको वो दिखाएगा। अगर आप देखना चाहते हो दाम ज्यादा है, ये जिंदगी भर आपको दाम ज्यादा दिखाएगा। और मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये गेम कैसे बनता है, नेटवर्क मार्केटिंग में गेम कैसे बनता है। तो ये है एक्टिवेटिंग सिस्टम। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं दो चार डेटा दिखाना चाहता हूं। ये डेटा दिखाना इसलिए चाहता हूं क्योंकि हाई बीवी कैसे इसके साथ कनेक्ट होता है, मैं दिखाना चाहता हूं। 17-18 में इंडस्ट्री का टर्नओवर था इंडिया में 7,500 करोड़। 18-19 में वो हो गया 13,000 करोड़, ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल, 7,500 करोड़ से 13,000 करोड़। पिछले साल इसका टर्नओवर हुआ है 16,600 करोड़। मतलब 17-18 से 19-20 तक 125% ग्रोथ है एक इंडस्ट्री का। मैं ये डेटा इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये डेटा और किसी ने नहीं बनाया, हमारे आपके जैसा कोई नेटवर्कर नहीं बनाया है, हमारे आपके जैसा कोई नेटवर्कर, हमारे आपके जैसा जो फील्ड वर्कर है उन्होंने ये डेटा बनाया है, जहां पे हमें ये बताया जा रहा है कि डबल से ऊपर ग्रोथ हो गया ओनली 2 साल में, ओनली 2 ईयर्स में डबल से ऊपर ग्रोथ हो गया। और भी आगे कुछ डेटा आपको दिखाते हैं। करेंटली 5.1 मिलियन लोग नेटवर्क और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। ये डेटा आराम से समझिए, धीरे से समझिए, दिमाग में लीजिए, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को थोड़ा पॉजिटिव कीजिए। मेरा तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS जिसको बोलते हैं, हर वक्त पॉजिटिव रहता है। 5.1 मिलियन लोग अभी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं।
अगले 2 से 3 साल में 18.5 मिलियन लोग होने वाला है, क्लोज टू 4 times, 4 गुना से भी ज्यादा। ये आएंगे, नेटवर्किंग के साथ जुड़ेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। सवाल यह होगा कि ये 18.5 मिलियन लोगों में से 100 लोग क्या मेरा टीम में आएंगे? सवाल यह है। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपका एक्टिवेटिंग सिस्टम बोल सकते नहीं सर नहीं आएंगे, तो नहीं आएगा। अगर आप बोल सकते जरूर आएंगे, तो जरूर आएगा। और जो लोग सोचते हैं जरूर आएंगे, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी डिफरेंटली हम आपको बताने का कोशिश करेंगे और कुछ डेटा आपसे शेयर करता हूं, आपको अच्छा लगेगा। 55% जो बिजनेस हुआ है 16,600 करोड़, उसमें से 55% लोग वेलनेस में। हमारा एयर प्यूरिफायर भी वेलनेस सेगमेंट में ही आता होगा, हमने अलग से उसका सेगमेंट बनाया, लेकिन ये वेलनेस के लिए, हेल्थ के लिए, पॉल्यूशन फ्री इंडोर के लिए। 55% मतलब 16,600 करोड़ में से 9,000 करोड़ करीब आया हुआ है वेलनेस से। कितना बड़ा मार्केट है। जो लोग पैंडेमिक से पहले बता रहे थे सर प्रिवेंशन का जरूरत क्या है, डॉक्टर तो है ना, वही मार्केट जब 55% रूल करता है। ऐसे ऐसे कंपनी सिर्फ वेलनेस के ऊपर काम करता है। हमारे इंडिया में एक कंपनी था, अभी भी वर्ल्ड वाइड वो कंपनी है, उसका 90% टर्नओवर एक ही प्रोडक्ट से आता था, 90% टर्नओवर। उसका नाम था वाटर प्यूरिफायर। एक कंपनी ने दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो 90% बिजनेस देता था, वाटर प्यूरिफायर। इसका मतलब क्या है, खरीदने वाले है, हमारे एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना जरूरी है। 55% वेलनेस से आता है, समझिए कितना बड़ा मार्केट है। जो लोग कल तक नहीं समझ रहे थे प्रिवेंशन का जरूरत क्या है, आज उसको समझ में आ रहा है। लेकिन जिस नेटवर्क में वेलनेस का, एयर प्यूरिफायर का सेल नहीं हो रहा है, वो उसको टेंशन करना चाहिए कि क्या कहां पे हम गलत जा रहे हैं। अगर वर्ल्ड वाइड 55% लोग वेलनेस में ग्रोथ कर रहा है, 34% छोड़ दिए पर्सनल केयर, तो फिर मेरा टीम में एयर प्यूरिफायर का सेल क्यों नहीं है? मेरे टीम में एयर प्यूरिफायर रिटेलिंग क्यों नहीं हो रहा है? मेरे टीम में प्रोटीन पाउडर का सेल क्यों नहीं बढ़ रहा है? मेरे टीम में वेलनेस का सेल क्यों नहीं बढ़ रहा है? सम बेसिक, आइदर ट्रेनिंग कम हो रहा है, इंफॉर्मेशन कम जा रहा है, आइदर लीडर को जिस हिसाब से प्रमोट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लोगों को जिस इंपॉर्टेंस से समझना चाहिए वो नहीं हो रहा है। प्लीज फाइंड आउट द प्रॉब्लम इफ योर वेलनेस सेल, एयर प्यूरिफायर सेल इज नॉट गुड। अगर आपका लोगो एयर प्यूरिफायर नहीं ले रहा है, तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्योंकि लेने वाले तो है। अगर एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ वाटर प्यूरिफायर के ऊपर अपना टर्नओवर करोड़ों कर सकता है, तो आपके टीम में 20-25 लोग एयर प्यूरिफायर क्यों नहीं लेंगे, थोड़ा सवाल आना चाहिए। और 34% पर्सनल केयर और कलर में। आगे और भी थोड़ा आपसे शेयर करता हूं कि कितना बड़ा इंडस्ट्री है, फिर इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे विद लो बीवी, एवरेज बीवी और हाई बीवी प्रोडक्ट के ऊपर। 2014-15 में 74 बिलियन था। ये डेटा को और अलग तरीके से समझिए। 0.4% रिटेल, मतलब जो दुकानों से जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं, डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ 0.4% में है। अपॉर्चुनिटी सोचिए कितना है, अपॉर्चुनिटी सोचिए कितना है। 74 बिलियन में से सिर्फ 0.4%, मतलब अभी भी पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है। जो लोग सोच रहे हैं हमने लेट से शुरू किया, हाँ, कुछ कुछ लोगों को जब पूछा जाता है सर आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप भी तो कमा सकते हो 10 लाख 15 लाख। नहीं सर, जो पहले आए थे ना वो लोग कमा के निकल जाएंगे, हम तो लेट हो गए। ये डेटा देखने के बाद कोई भी नहीं सोचेगा, ये जो 1,000 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि वो लेट है। आप समय पे हो, और किस लिए समय पे हो वो भी आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर। तो कुछ लोग सोच रहे हैं हम लेट हो गए, हम पीछे आ गए, हम 10-15 लाख रुपया कमा नहीं सकता है। गलत एक उसमें मत रहिएगा। मैं बार बार इसलिए पहले दिखाया, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पॉजिटिव में लेके आया। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना बहुत जरूरी है, जो लोग सोचते हैं कि हम लेट पे हैं, उसके लिए आई ओपनर स्लाइड आई है। ये मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूं, ये एक्चुअली जूम में होता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। हर एक कंपनी का, हर एक इंडस्ट्री का 5 फेज होता है, बहुत जरूरी है समझना। जो समझ गया
वो आज के बाद अपना स्पीड कभी कम नहीं करेगा। पहला स्टेज होता है स्टार्टअप, स्टार्टअप मतलब अभी भी शुरू हुआ है, उसके बाद वो ग्रोथ पे जाता है, उसके बाद वो पीक पे जाता है जिसको बोलते हैं शेक आउट, एकदम पूरा स्पीड में ऊपर जाता है, उसके बाद मैच्योरिटी पे आता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाता है। हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री ऐसे जाता है। आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि लोग बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में उसी टाइम में जान सब कुछ लगा देना चाहिए जब वो कंपनी या इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में होता है। बोलता है कि आप अपने जो रिसोर्स है, जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो नॉलेज है, वो सब कुछ लगाना चाहिए उस टाइम पे जहां पे इंडस्ट्री ग्रोथ स्टेज में जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क इंडस्ट्री अभी ग्रोथ फेज में है, द बेस्ट फेज जहां पे एक इंडस्ट्री होना चाहिए और हो सकता है वही बेस्ट फेज में आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। ग्रोथ फेज बोलते हैं जिसको। ये ग्रोथ फेज में फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है? जब भी आप ग्रोथ फेज में इन्वेस्ट करते हो, अपने नॉलेज इन्वेस्ट करते हो, अपने एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, अपने 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 रिसोर्स को इन्वेस्ट करते हो, तब ये क्या होता है, जब ग्रोथ फेज में जाता है तो ऑटोमेटिक एक स्पीड होता है, स्पीड के साथ आप भी निकल जाते हो। सब लोग ग्रोथ फेज को यूटिलाइज नहीं कर सकता है। कौन से लोग ग्रोथ फेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, मैं पहले बता देता हूं कौन से लोग कर सकता है। मैं एयर प्यूरिफायर का बातें नहीं करूंगा, डेफिनेटली जिन लोगों ने एयर प्यूरिफायर का परचेस कर लिया उनको तो सल्यूट, उनको पता है कि हम अगर करते हैं मेरा डाउनलाइन करेगा, चलो ठीक है छोड़िए वो बात। सेकंड, वही लोग ग्रोथ फेज में सबसे ज्यादा एडवांटेज लेते हैं जो अपने फुल पोटेंशियल को यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुझे एक होम मीटिंग करना आता है, मैं स्ट्रेच करके दो होम मीटिंग किया, इसका मतलब मैं ग्रोथ फेज को यूटिलाइज कर रहा हूं। मुझे आज एक प्रोडक्ट बोलना आता है, एक महीना बाद मुझे दो प्रोडक्ट बोलना आता है, इसका मतलब मैं ग्रोथ फेज को यूटिलाइज कर रहा हूं। मुझे प्यूरिफायर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, आज मैं कम से कम 5 सेंटेंस प्यूरिफायर के बारे में बोल सकता हूं, आप ग्रोथ फेज को यूटिलाइज कर रहे हो। मैंने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग कर सकता था, मैं आज दो मीटिंग किया, आप ग्रोथ फेज को यूटिलाइज कर रहे हो। मैं एक होम मीटिंग कर सकता था, मैं आज दो होम मीटिंग किया, आप ग्रोथ फेज को यूटिलाइज कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग उल्टा है, 3 कर सकता था, एक में सोचा कि बहुत हो गया, वो ग्रोथ फेज को कभी यूटिलाइज नहीं कर सकता है, बड़ा पैसा कभी कमा नहीं सकता है। इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज को यूटिलाइज करना। यही चीज अगर आपने मैच्योरिटी में जाके किया, फायदा कुछ नहीं होगा। यही चीज आपने डिक्लाइन में जाके किया, फायदा कुछ नहीं होगा। यही लोग समझते नहीं है कि आज क्यों करना चाहिए। और दो ही तो फॉर्मूला है, वर्क विद एवरीबॉडी, वर्क एवरी डे, यही तो दो फॉर्मूला है। सबके साथ काम करो, रोज काम करो, यही तो दो फॉर्मूला है। आप हमने तो कभी ये मेरे ट्रेनिंग में ये नहीं बताया कि जब भी काम करो परफेक्शन के साथ काम करो, मैंने नहीं बताया वो चीज। जिन लोगों ने एयर प्यूरिफायर परचेज किया आज का डेट में, मैं बता सकता हूं कि उनको भी एयर प्यूरिफायर के बारे में आज पूरा पता नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा पहले खरीद तो लूं, पता तो करेंगे बाद में। कुछ लोग पहले पता करेंगे सर्विस सेंटर कहाँ है, अच्छा सर इसका फिल्टर का दाम कितना है, अच्छा ये इतना, ये कहां से 18,000 रुपीज, हमको क्या बोलना है लोगों को जाके, उसको चिंता। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसको ये बता रहा है हर एक क्वेश्चन पे, मत खरीद मत खरीद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो वो हिंदी में कहावत है ना, इंग्लिश में मंकी सी मंकी डू, जो आपको दिख रहा है वही लोग करेंगे आपका डाउनलाइन, तब ये सो। लेकिन क्या राइस बैंड वेल बेचेंगे, बेचो, मैं आगे आऊंगा कि क्या होता है जब आप गलत जगह पे फोकस करते हो और हर एक जगह में बैलेंस्ड फोकस नहीं करते। कितना चिंता है कि उसको सर्विस सेंटर कहां है, बताइए। सर्विस सेंटर अगर नहीं है कलकत्ता में, फॉर एन एग्जाम्पल कलकत्ता दे रहा हूं, तो खरीदेगा ही नहीं। और डाउनलाइन को जाके बताएंगे कि सर्विस सेंटर नहीं है इसलिए मैंने नहीं खरीदा, डाउनलाइन बोलो तो मैं क्यों खरीदू, मत खरीदो। एक स्ट्रैटेजी टोटली आउट हो गया। ग्रोथ स्टेज में है आप लोग, हम लोग, वी आर इन अ वेरी लकी स्टेज।
यहाँ पे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट आए, जब भी कोई ऑफर आए, क्वालिफाई करो, खरीदो। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ स्पोक्स पर्सन है, आपको समझा रहा है। ये जो डेटा ना, ये डेटा हम नहीं कह रहे हैं, ये ऑल वर्ल्ड का ग्लोबल सिस्टम का एक डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, ये एक्सपर्ट्स ने बनाया। सो ग्रोथ फेज में हो आप लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना, सोचने का तरीका चेंज करना जरूरी है, आगे बढ़ते हैं। 2010 में $43 बिलियन का टर्नओवर था, मैं बाकी जगह नहीं जा रहा हूं। 19-20 में ये 236 बिलियन होने जा रहा है। आप क्या सोच रहे हो, सिर्फ तेल साबुन से होगा 236 बिलियन? कुछ लोग तो सर राइस कब आएगा, शुगर कब आएगा, अच्छा आ गया, उसके बाद दूसरा सवाल, बीवी तो नहीं है सर इसमें, तो यही नहीं है सर। पहले तो बोलेगा लाओ, लाने के बाद उल्टा डांट पड़ेगा हमें, सर बीवी कहाँ है, 10% चीनी में क्या बीवी दोगे आप? जो लोगों ने मुझे बुलाया था, कुछ लोगों ने कि सर हाई बीवी प्रोडक्ट लाइए, उसमें से कुछ लोग अभी तक खरीदा नहीं। आई रिक्वेस्ट देम प्लीज बाय, नॉट बिकॉज आपका घर में पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, मैं वो चीज नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये हाई बीवी एक अलग स्ट्रेटेजी होता है, मैं आऊंगा थोड़ी देर। 43 से 236 बिलियन, तेल साबुन और उसमें से नहीं आया, ये हाई बीवी प्रोडक्ट से बहुत सारा बीवी आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा दिखाने का कोशिश करते हैं, इसमें नहीं जा रहा हूं, इसमें भी नहीं जा रहा हूं, आता हूं मैं असली स्ट्रैटेजी में। तीन स्ट्रैटेजी आपके पास, थ्री स्ट्रैटेजीज आपके पास है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आधा घंटा ही बात करूंगा, उसमें से जो जिसको समझना है समझ जाएगा। तीन स्ट्रैटेजी होता है नेटवर्क में। बोला जाता है कि 16% इन्फ्लुएंस करता है प्लान, सुन लीजिए ये चीज, अब बहुत सारे लीडर्स मैंने देखा यहाँ पे, 16% इन्फ्लुएंस करता है इनकम का। अगर आपको आपको 100 रुपया इनकम करना है, 16% इन्फ्लुएंस करेगा प्लान, मार्केटिंग प्लान। किसी को 1,00,000 रुपया कमाना है, उसको समझना चाहिए कि 16% इन्फ्लुएंस करेगा प्लान, और 84% इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट, लीडरशिप और ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है, किसी को अगर 10,00,000 रुपया कमाना है तो उनको समझना चाहिए प्लान को, उसका 10 लाख में 16% प्लान से इन्फ्लुएंस होगा, मतलब 1,60,000 रुपया उसको प्लान से इन्फ्लुएंस होगा, बाकी 8,40,000 रुपया उसको आएगा जब वो एक्सपर्ट बनेंगे प्रोडक्ट्स में, जब वो एक्सपर्ट बनेंगे ट्रेनिंग में, जब वो एक्सपर्ट बनेंगे अपने लीडरशिप में। ये हमारा डेटा नहीं है, अगेन बता रहा हूं, ये ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डेटा है। तो जब भी आप कुछ सोचोगे ध्यान रखना, 84% आता है प्रोडक्ट से, ट्रेनिंग से, लीडरशिप से, 16% आता है प्लान से। ओके, अब मैं बैकग्राउंड में आता हूं। तीन तरीका का प्रोडक्ट होता है, लो बीवी, एवरेज बीवी, हाई बीवी। अब तीनों का काम क्या है, तीनों का काम बहुत सिंपल है। लो बीवी दरवाजा खोलने के लिए होता है, लो बीवी इज अ डोर ओपनर प्रोडक्ट, कि सर आप रिप्लेस करो, आप लॉयल्टी लो, आप रिपर्चेज लो, आपका घर में तेल सुबह यूज होता है गोपाल स्टोर से, आप वो मत लो, मोदी केयर से लो। आप करने का क्या कोशिश कर रहे हो, जैसे उसको फर्स्ट परचेस करवाना है, फर्स्ट परचेस करने में लो बीवी प्रोडक्ट बहुत हेल्प करता है। स्ट्रैटेजी नंबर वन, फर्स्ट परचेस करने में लो बीवी प्रोडक्ट बहुत हेल्प करता है, उसमें कंपनी के प्रति उसका लॉयल्टी नहीं होता है, आपके प्रोडक्ट के प्रति उसका लॉयल्टी नहीं होता है। वो ज्यादा से ज्यादा किस में जाता है, दाम कितना है सर आपका प्रोडक्ट का, मार्केट में तो मुझे इतना में मिल जाता है, आपका प्रोडक्ट का दाम कितना है, उसमें वो कंपैरिजन प्राइस के साथ शुरू करता है। क्यों, क्योंकि उसको कंपनी पे के पास कोई लॉयल्टी नहीं है, उसको नेटवर्किंग समझ में नहीं आता है, उनको यह भी समझ में नहीं है यहां से आपको मर्सिडीज या ऑडी या गाड़ी मिल सकता है, नहीं, उसका ट्रस्ट लेवल कंपनी के प्रति बहुत कम होता है। और यहां पे क्या काम करता है, प्राइस ऑफर, करेक्ट, और आपका जो ट्रेनिंग या प्रेजेंटेशन का कोशिश। तो ध्यान रखना,
नया जो जब आएंगे या नए लोग जो आएंगे, लो बीबी प्रोडक्ट को यूज कीजिए। यहाँ पे लो बीबी प्रोडक्ट काम पे आएगा, क्योंकि लोगों को हमारे ऊपर वो ट्रस्ट नहीं है जो होना चाहिए, और हम भी, हमको भी पता है कि वो ट्रस्ट पहले दिन से आता नहीं है। तो लो बीबी प्रोडक्ट क्या होता है, जब ट्रस्ट कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, उसको अभी तक कंपनी से कोई रिजल्ट नहीं मिला, वहां पे लोगों को सिस्टम के लाने के लिए लो बीबी प्रोडक्ट का जरूरत है। नंबर वन स्ट्रैटेजी। नंबर टू, आ तो गए लेकिन आप तो राइस ब्रैन ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से, साबुन से लोगों को तो रोक के ना नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि कल बोलेगा कोई कंपनी कि दो राइस ब्रैन ऑयल के साथ एक पेंसिल फ्री, वो आपको छोड़ के पेंसिल लाने जाएगा दुकान से। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ट्रस्ट लेवल कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको ऑफर से मतलब था। अब आपका क्या सोचाया, यार इसको तो रिटेन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, साबुन से, टूथपेस्ट से, राइस ब्रैन ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से, शैम्पू से, कंडीशनर से, आप किसी को सिस्टम में रोक के नहीं रख सकते हो। यहां पे आपका दूसरा स्ट्रेटेजी आना चाहिए, वो क्या है, रिटेंशन स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या है, ऐसे कुछ चीज उसको हमको देना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा फर्स्ट या सेकंड मंथ में ही, जहां पे उसको उससे फायदा मिले। पहले मैंने क्या बताया था, 55% सेल कौन सा कैटेगरी से आता है, वेलनेस। वेलनेस एक कैटेगरी है जहां पे लोग आपके साथ रहने का चांस ज्यादा होता है अगर वो यूज करता है। किसी ने कैल्शियम यूज किया, उसको फायदा मिला, वो आपका एवरेज बीवी भी देता है और उसको रोकने का कोशिश भी करता है सिस्टम में, क्योंकि फायदा मिला है, वो बोलेगा और एक दो। और हमारा वेलनेस में ज्यादातर प्रोडक्ट एक महीना चलता है, इसका मतलब क्या, हर एक महीना वो परचेस करने का चांस है उसका। फर्स्ट डोर ओपनर प्रोडक्ट में क्या है, कोई मेहनत नहीं है, एक आदमी को मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है डोर ओपनर प्रोडक्ट में, क्योंकि उसकी कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। लिपस्टिक लगाने का ट्रेनिंग क्या होता है आज तक मुझे पता नहीं चला, फिर भी कुछ लोग कोशिश करते हैं लिपस्टिक लगाने का ट्रेनिंग, मुझे भी सीखना है कि लिपस्टिक लगाने का कौन सा ट्रेनिंग होता है भाई, बट फिर भी वो सब में ट्रेनिंग नहीं थी। दूसरे में मेहनत है थोड़ा बहुत, क्यों, इसमें तो हमें जानना पड़ेगा कैल्शियम क्या होता है, मल्टी विटामिन क्या होता है, नोनी क्या होता है, आंवला जूस कैसे हेल्प कर सकता है आपकी, त्रिफला नया प्रोडक्ट है वो क्या काम का है। अगर आपने ये चीज कर लिया तो आपका टीम में रिटेंशन, लोग रहना ज्यादा शुरू हो जाएगा, लोग ज्यादा रहना शुरू हो जाएगा, रिटेंशन, सॉरी रुकिए मैं लग लेता, हाँ रुकना शुरू हो जाएगा। इसको बोलता है एवरेज बीवी स्ट्रैटेजी, जिसमें लो बीवी से थोड़ा सा ऊपर बीवी है उसको यूज करना पड़ेगा रिटेंशन के लिए, इसके लिए सीखना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लोगों को जाके बोलना पड़ेगा। कौन सा महीना में बोलना पड़ेगा, पहला महीने में, फिर भी आपने लो बीवी देके लोगों को लेके अगले महीना उसको जाना पड़ेगा आपको फॉलो अप में कि वेलनेस का प्रोडक्ट कैसे उसके पास जाए। पैंडेमिक के बाद लकी वी आर कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यस प्रिवेंशन इज बेटर देन डॉक्टर, प्रिवेंशन इज बेटर देन डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के पास गए तो पैसे, तो पैसे प्रोबेबली और भी चीज का खर्चा या हेल्थ डिटोरिएट कर सकता है, लेकिन प्रिवेंशन ले लिया आज लोगों को समझ में आ रहा है, वी हैव अ प्लस पॉइंट। तो पहला वाला लो बीवी, इसके बाद आया रिटेंशन के लिए एवरेज बीवी। अब ये दोनों काम तो हो गया, अब बीवी में ग्रोथ चाहिए, क्यों, पैसे कहाँ है, पैसे जिसके लिए लोग आए हुए हैं। बीवी में ग्रोथ हाई बीवी प्रोडक्ट्स, पहला वाला लोगों को लाने के लिए, दूसरा रखने के लिए, और तीसरा आपका खुद का चेक बनाने के लिए, उसको बोलते हैं ग्रोथ इन बीवी, हाई बीवी प्रोडक्ट से आता है। यही चीज हम आज फोकस करने के लिए, मैं पिछले चार पांच महीने दिन से मैं सबको बता रहा हूं कि हाई बीवी टेक इट एज अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। हमें पता है 18,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगा आपके लिए कि आपका 18,000 नीचे वाले 10 लोगों का भी एयर प्यूरिफायर खरीदने में मदद करेगा, ग्रोथ नहीं आएगा।
एक हाई बीवी प्रोडक्ट एयर प्यूरिफायर सीधा एक फाइव स्टार कंसल्टेंट बता सकता है, पैसा नहीं दिखेगा उसको। कुछ लोग बोलते प्राइस इसीलिए तो हाई बीवी लाया, हम तो और भी 10 किस्म का तेल ला सकते थे, हम और भी 4 किस्म का टूथपेस्ट ला सकते थे, क्या फायदा होता? क्योंकि आप सिर्फ लोगों को लाते रोक नहीं पाते, पैसा देके अल्टीमेटली लोगों को फाइनली आप रोक सकते हो, लेकिन आप नहीं खरीदते हो तो डाउनलाइन तो कभी नहीं खरीदेंगे। आपको डर लग रहा है एक बार 18 दिस आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स। कुछ लोगों ने नहीं खरीदा, आई रिक्वेस्ट देम प्लीज बाय बिकॉज दिस इज नॉट अ खर्चा, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू फॉर योर फैमिली एंड अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट फॉर योर डाउनलाइंस। एक में एक फास्ट स्टार्ट कंसल्टेंट होना चाहिए ना, लोगों को लगना चाहिए ना कि मेरा चेक बढ़ रहा है, आपका चेक बढ़ रहा है। आर प्यूरिफायर में एक डायरेक्टर हो सकता है, राइट? ओनली 4 प्यूरिफायर्स 1 डायरेक्टर। मैं ये नहीं बोल रहा ऐसे ही करो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 30-40 बॉक्स ऑफ ऑयल बेचना, टूथपेस्ट बेचना, और कभी कभी उसके साथ अगर एक दो प्यूरिफायर चले जाए, जो लोग आज तक डायरेक्टर नहीं हो रहा था, जो रिटेलिंग में बहुत अच्छे, वो भी डायरेक्टर बन जाएंगे। 11 प्यूरिफायर में एक एलबीवी ले हो सकता है। बट ओनली थिंग इज वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। ये जरूरी है ये लीड बाय एग्जांपल, बिकॉज ये शीट जिंदगी पर ध्यान रखना, लो बीवी इस पर डोर ओपनर। किसी का दरवाजा खोलना है साबुन को यूज कीजिए, लेकिन किसी को सिस्टम में रखना है वेलनेस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कीजिए, और वहीं से अगर किसी को ग्रोथ पे लाना है, आपका चेक को बढ़ाना है, तो आपको एयर प्यूरिफायर को यूज करना चाहिए। डू नॉट थिंक दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ स्ट्रेटेजी फॉर यू। इसीलिए मैंने बताया कि एक कंपनी है वर्ल्ड वाइड जो सिर्फ और सिर्फ वाटर प्यूरिफायर बेचता है, उसी में से वो लोग वाटर प्यूरिफायर बेच के करोड़ों का टर्नओवर करता है, नेटवर्कर करीब 10-12 लाख रुपया कमाता है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट वाटर प्यूरिफायर। अभी भी वो प्रोडक्ट जाइए आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको प्रोडक्ट कंपनी का नाम पता हो जाएगा। उस कंपनी से एक हमारे पास भी सीईओ आए हुए थे, वो कंपनी अंडरस्टैंड द पॉजिटिव थिंग, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा ना पॉजिटिव बनाइए, आरएएस जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ये समझाइए कि दिस इज अ स्ट्रेटेजी नॉट अ प्रोडक्ट फॉर मी। 18,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट, मैं बता रहा हूँ 18,000 रुपीज में 2500 का प्रोडक्ट भी आ जा रहा है, कोई स्टॉली में आ गया अगले महीने उसको 10,000 का स्टॉली भी मिल जाएगा, उसके बाद उसको 100 एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। वो तो बात छोड़िए, वो तो ऑफर्स है, लेकिन एज अ स्ट्रेटेजी ये सोचिए, अगर आपके नीचे 10 लोगों ने भी काम इसको खरीद लिया, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो आपका बीवी का रूप से भी वापस आपके पास आएगा। दिस इज कॉल्ड यूजिंग प्रोडक्ट एज अ स्ट्रेटेजी। जरूरी है ये चीज समझने के लिए। मैं आगे आगे और नहीं जाऊंगा, मैं इतना बताने का कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है, 84% आता है प्रोडक्ट से, लीडरशिप से और ट्रेनिंग से, 16% आता है कंपनसेशन प्लान से। 84% में ध्यान दीजिए, जानिए ये वाटर प्यूरी, ये अपना एयर प्यूरिफायर है क्या, इसका थोड़ा ट्रेनिंग लीजिए, खुद भी पढ़ाई कीजिए, खुद खरीदिए, एंड देन लोगों को बताइए दिस इज अ ग्रोथ, बीबी में ग्रोथ लाने का स्ट्रैटेजी। और क्या होना चाहिए इसका स्ट्रैटेजी, जो लोग रिटेलिंग कर पाता है वेल एंड गुड, नहीं कर पाता है डोंट वरी, आपका जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं सबने अगर एक एक अपना घर में भी लगा लिया, वही लोग जो घर पे एयर प्यूरिफायर लगा उसका घर में कोई आएगा भी, उसको अगर समझा पाए वही आपको और एक रिटेलिंग करके लेके जाएंगे, लेकिन उसके लिए घर में रखना तो है। कभी कभी लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस छोटा मोटा बिना इन्वेस्टमेंट के होता नहीं है, हम खुद नहीं खरीदेंगे लेकिन हम लोगों को बोलेंगे खरीदने के लिए, डजंट वर्क, एमएलएम में डजंट वर्क। सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ओपनिंग लोगों को लाने का एक स्ट्रेटेजी होता है, रखने का एक स्ट्रेटेजी होता है, और बीवी बढ़ाने का तीसरा स्ट्रेटेजी होता है, जो तीनों का मिश्रण कर सकता है वही जाके आगे जाके विल बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल नेटवर्कर इन मोदी केयर इन द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो थैंक यू सो मच। मैं वापस करना चाहता हूँ पंकज जी को, पंकज जी बैक टू यू।